Hello students and my dear friends I'm Dr Shalini Shukla and today is 26th of June 2020 Friday so let's start with business standard daily news analysis inspiration of the day is you were given this life because you are strong enough to live it in today's discussion we are going to cover these articles so let's start with article number 1 given on page number 1 RBI may take up one time loan restructuring टुडे तो आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग है और ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का एजेंडा इस मीटिंग में डिस्कस कर सकती है प्रोसेस इन विच द लैंडर्स मॉडिफाइड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोन गिवेन टू एनी बोर ओवर एंड वाइल लेंडर्स मॉडिफाइड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोन बिकॉज बोरोवर इज नॉट एबल टू री द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट अमाउंट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल ड्रेस्टर्स कॉज बाई इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिटुएशंस अब इस केस में लेंडर कौन है इस केस में जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं जिन्होंने लोन दिया था इन्वेस्टर्स को तो वन टाइम री ऑफ लोन मीन्स आर अब जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको कुछ गाइडलाइंस इशू करेगा कि जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन्स हैं जो कि कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन की वजह से एन की कैटेगरी में फॉल होने वाले हैं बिकॉज ऑफ जस्ट कोविड नाइन्टीन सिचुएशन तो उन सारे लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर दी जाए उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉर अ टाइम बीइंग मॉडिफाई कर दिया जाए ताकि वो सारे लोन्स एनपीए की कैटेगरी में फॉल ना करें बेसिकली इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ डेलीकुेंसी पीरियड जिसमें हम अपने बोर जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने बॉरोस को कुछ रिलैक्सीशंस या एग्जाम्शंस दे देते हैं फॉर अ टाइम बींग सो दैट देयर लोन्स कुड नॉट बी और विल नॉट बी कैटेगराइज एज एन पी ए और वो अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है इंटरेस्ट अमाउंट है वो आगे की डेज़ में जो अभी ड्यू चल रहा है करेंटली उसको आगे की डेज में रीपे कर सकते हैं उस समय तक के लिए उनके लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा और जैसे कि आर का ऑलरेडी एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में लोन मोराटोरम पीरियड को लेकर के जिसमें सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूसली फाइनेंस मिनिस्ट्री और आर से अर्ज कर रहा है कि आपने जो मोराटोरम पीरियड दिया था बोरोवर्स को उस ड्यूरेशन में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ना लगाया जाए हालांकि आर ने जो अपना एफिडाविट सबमिट किया था उसमें आर और कॉमर्शियल बैंक्स ने यह कहा था कि अगर आ, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं इम्पोज किया जाएगा देन इट विल हैव हाँ द निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉमर्शियल बैंक्स फाइनेंशियल हेल्थ और रिसेंटली आर ने डेलीकुंसी पीरियड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स उसको भी इंक्रीज कर दिया था नाइन्टी डेज से बढ़ा करके वन डेज तक इसका मतलब क्या है 90 डेज और 180 डेज इसका मीन्स ये है कि ऐसा कोई लोन जिसमें 90 दिनों तक कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट का पेमेंट ना हो वो उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में या स्ट्रेस एसेट की कैटेगरीज में कमर्शियल बैंक्स डाल देते हैं तो इस कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी फर्म्स थी बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी थी जो बिल्कुल कंप्लीटली शट डाउन थी जिनका कोई भी बिजनेस नहीं हुआ एक से दो महीने तक तो उसकी वजह से वो अपना रोन रीपेमेंट या अपना इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड नाइन्टीन इम्पैक्ट इससे पहले वो प्रॉपरली अपना लोन रीपेमेंट कर रहे थे अपना इंटरेस्ट पे कर रहे थे बट बिकॉज ऑफ़ द कोविड नाइन्टीन दोज बोरोवर्स वर नॉट एबल टू और द फ्यू बोरोवर्स वर नॉट एबल टू रीपे देयर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट या अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट को नहीं जमा कर पाए तो इसीलिए आरबीआई ने इन सारे फर्म्स को जो कोविड नाइन्टीन की वजह से अपना लोन पे नहीं कर पा रहे थे या लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे थे तो उनके लिए डेलीकुंसी पीरियड बढ़ाकर 180 डेज़ का कर दिया था मीन्स कि अगर आपने 90 डेज तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे नहीं किया तो हम आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में नहीं डालते हैं हम आपको 90 डेज़ और देंगे क्यों 90 डेज हम आपको और देंगे क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी चल रही है कि कोविड uh, 19 की वजह से इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से स्लो डाउन हुआ इवन जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो गई उसके बाद भी डिमांड रिवाइवल नहीं दिख रही है ना ही रेटिंग एजेंसीज़ को रिसर्च फर्म्स को बैन आर को भी बहुत जल्दी रिवाइवल इकोनॉमी का नहीं प्रोडिक्ट हो रहा है तो इसलिए आर ने ये पीरियड 180 एटी डेज़ तक का बढ़ा करके बोरोवर्स को एग्जम्शन दिया था कि वो अपना लोन अपना इंटरेस्ट वन एटी डेज़ तक पे कर सकते हैं हम उनको एन की कैटेगरी में नहीं डालते हैं अगर कोई भी लोन एन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो दैट इज़ ऑल्सो हैव अ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर ऑफ़ दैट बोरोवर तो उसको बाद में फ्यूचर में लोन मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसीलिए बोरोवर भी नहीं चाहता कि उसका लोन जो उसने लिया है वो एन की कैटेगरी में डाला जाए और बैंक्स भी नहीं चाहते कि उनका जो असेट्स है वो एन की कैटेगरी में डाला जाए तो आज की मीटिंग में आर बी आई इज़ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द री स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस और री स्ट्रक्चरिंग प्रपोजल्स ऑफ लोन और मोस्ट प्रोबली इस चीज़ के चांसेस हैं कि जो लोन री स्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस या फैसिलिटी अगर आती है अगर ये प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो ये बेसिकली एम के लिए नहीं होगा ये बड़े बड़े जो बिग इन्वेस्टर्स हैं या जो बिग कंपनीज हैं उनके लिए होगा यही सेम अगर हम बात करें कि ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या हिस्ट्री में भी पहले कभी हुआ है हाँ हुआ है जब 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस हुई थी जिस समय इंडिया ने इंडिया ने भी एक रिसेशनरी कंडीशंस या ब्लोविन फेस करी थी बिकॉज ऑफ द इकोमिक मैलडाउन एट अ ग्लोबल लेवल तो उस समय भी आर ने रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस इनिशिएट करी थी और इस कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन में जहाँ पर आर ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रखा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का जी ग्रोथ जो है वो निगेटिव टेरिटरी में रहेगा तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए जैसे हमारा रिसेंटली आईएमएफ ने भी इंडिया की जीडीपी डी कॉन्ट्रैक्शन को 4.5 परसेंट तक प्रोडिक्ट किया है इसी तरह गोल्ड मैन शेयर ने भी वर्ल्ड बैंक ने भी सारे जितनी भी जितने भी रेटिंग एजेंसीज हैं या जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उन सब ने इंडिया में इंडियन इकोनॉमी में इस फाइनेंशियल ईयर 21 में कॉन्ट्रैक्शन ही प्रोडिक्ट किया है तो इन सब को देखते हुए आरबीआई is now going to allow the one-time loan restructuring process in order to ease out the already financially stressed कंपनी जो कि ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन में चल रही हैं उनको थोड़ा सा विंडो देने के लिए थोड़ा सा स्पेस देने के लिए थोड़ा ईज करने के लिए ताकि वो अपने बिजनेस इस टफ़ सिचुएशन में भी चला सकें ऐसा ना हो कि लोन रीपेमेंट करने के चक्कर में या लोन रीपेमेंट करने के प्रेशर में वो सारी कंपनीज क्लोज डाउन हो जाएँ इसीलिए लिए आर और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार आई एक्ट को भी आई बी कोड को भी एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया ताकि जो डेटर्स हैं क्रेडिटर्स हैं किसी कंपनी के वो किसी भी कंपनी के अगेंस्ट इंसॉलवेंसी इनिशिएट ना कर सकें अंडर आई तो अभी इस कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन में इस इकोनॉमिक मेल्टडाउन की सिचुएशन में सारी कंपनीज चाहे वो एम एस एम ईज हो चाहे वो बिग कॉन्ग्लूमर्स दे ऑल रिक्वायर फाइनेंशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और उसी सपोर्ट को देने के लिए आर बी आई लोन रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है द बैंकिंग रेगुलेटर्स ऑगस्ट 27, 2008 सर्कुलर अलाउड द रिस्टोरेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन टू अकाउंट्स दैट हैड टर्न एनपीए ड्यूरिंग द रीस्ट्रक्चरिंग अप्रूवल प्रोसेस 2008 में जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी उसमें आरबीआई ने ऐसे सारे अकाउंट जो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में एनपीए की कैटेगरी में फॉल कर गए थे उनको वापस से स्टैंडर्ड असेट्स की कैटेगरी में डाल दिया था अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि बैंक्स के जो लोन होते हैं वो उनके असेट्स होते हैं असेट्स को दो पार्ट में क्लासीफाइन करते हैं एक स्टैंडर्ड होते हैं और एक एनपीएस होते हैं या स्ट्रेस होते हैं जिनमें इंटरेस्ट अमाउंट होता है, वो हो रहा होता है। या होते हैं जहां पर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का लोन पेमेंट रेगुलर नहीं होता है या पिछले 90 डेज में कोई भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं हुआ था तो, तो ऐसे लोन्स को हम एनपीए या स्ट्रेस असेट बोलते हैं बैंक तो जो 2008 में जो सर्कुलर आया था आरबीआई का उसमें आरबीआई ने ऐसे सारे लोन्स जो कि एनपीए की कैटेगरी में फॉल कर गए थे बिकॉज ऑफ द ड्यूरिंग द रीस्ट्रक्चरिंग अप्रूवल प्रोसेस उन सारे लोन्स को वापस से स्टैंडर्ड असेट्स की कैटेगरी में डाल दिया गया था और जितनी भी स्ट्रस्ट कंपनी थी उनको थोड़ी विंडो दी गई थी ताकि वो थोड़े ऑल लॉन्ग टाइम तक ऑपरेट करें और उस समय जो टू में जो रिसेशनरी कंडीशंस आई थी रिसेशनरी वेव्स आई थी उससे सेल ऑफ कर जाएँ जिसके बाद वो अपनी कंपनीज लेटर ऑन दे विल बी एबल टू पे देयर लोन्स तो सेम प्रोसेस आर इस बार भी लोन रिस्ट्रक्चरी में अडॉप्ट कर सकती है विथ सर्टन कंडीशंस वॉटर दोज कंडीशंस टू कंडीशन इम्पोज वैट आर री स्ट्रक्चरिंग कुड नॉट बी रिपीटेड दिस विल बी ओनली वन टाइम लोन री स्ट्रक्चरिंग दिस री स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस विल नॉट बी रिपीटेड द सेकेंड कंडीशन इज दैट ड्यूज टू द बैंक्स वर फुल्ली सिक्योर्ड तो इन दोनों प्रोसेस के साथ आर बी आई इस बार भी लोन रीस्ट्रक्चरिंग की अप्रूवल पर जा सकती है और हम देखें रिसेंटली जो सारे डिसीजन आर बी आई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं इन ऑर्डर टू ईज आउट द कंपनीज़ और द इन्वेस्टर्स फ्राम द फाइनेंशियल क्राइसिस और द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तुम देख सकते हैं मोराटोरम पीरियड इंक्रीज़ कर दिया है आई बी सी को फ़िलहाल के लिए एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है नाउ आरबीआई गोइंग फॉर री स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस री स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई मिल करके ले रहे हैं जिससे इस इकोनॉमिक के टाइम में कंपनीज को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके अब देख लेते हैं गवर्नमेंट दैट कस्टम्स अथॉरिटी इन हांगकॉन्ग एंड चाइना इज रेसीप्रोकेटिंग द इंडियन कंसाइनमेंट विद द सेम डिटेंशन एज इंडियन अथॉरिटीज़ आर डूइंग विद चाइनीज़ कंसाइनमेंट जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि बहुत सारे इंडस्ट्री ग्रुप्स ने इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटीज़ ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अर्ज किया था कि जो चाइना का, का कंसाइनमेंट जो 100% परसेंट फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए रोका गया उसको उस तरह से सडन जो एम को है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना लगाए अदरवाइज वही सेम प्रोसेस या सेम एम को इंडियन एक्सपोर्टर्स को चाइनीज पोर्ट में फेस करना पड़ेगा तो आज बिजनेस स्टैंडर्ड इस न्यूज़ को कवर किया है जिसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया है कि आ, जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन अथॉरिटीज़ ने कस्टम अथॉरिटीज़ ने चाइनीज़ कंसारमेंट को चेन्नई को कोलकाता और मुंबई जैसे पोर्ट्स पर रोक रखा है विद द रीजन ऑफ हंड्रेड परसेंट फिजिकल एग्जामिनेशन द सेम एम्बार्को इंडियन एक्सपोर्टर्स आर फेसिंग इन चाइना एंड हॉन्ग कॉन्ग और इवन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का ये भी क्लेम है ये भी एलिगेशन uh, है कि जो पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने गवर्नमेंट से कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं किया है खुद conviction, अपने खुद के कन्विक्शन अपने खुद के डिसीजन मेकिंग के अथॉर बेसिस पर कस्टम अथॉरिटीज़ चाइनीज़ कंसाइनमेंट को 100 परसेंट फिजिकल एग्जामिनेशन की कैटेगरी में डाल रही हैं रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ने यह भी क्लेम किया है कि इस पर गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर भी नहीं आया जिससे कि वो पहले इस तरह के फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकें अपने कंसाइनमेंट को और इस तरह की प्रोसेस से उनके बिजनेस में भी डीले हो रहा है सप्लाई चेन उनके डिस्टर्ब हो रही है और सेम प्रोसेस सेम एम इन इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी फेस करना पड़ रहा है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन की अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दोनों ही कंट्रीज़ की गवर्नमेंट इस तरह के मेजर्स लेती हैं तो एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स दोनों को ही बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर हम देखें इंडिया चाइना का इम्पोर्ट और चाइना के एक्सपोर्ट इंडिया में किस तरह से पिछले पाँच सालों में अफेक्ट किया तो हम देख सकते हैं ग्राफ कि इनिशियली हमारा जो इंपोर्ट फ्रॉम चाइना था वो बड़ा बट लेटर ऑन आफ्टर 2017 आप देख सकते हैं ये इम्पोर्ट कंटिन्यूसली uh, गिर रहा है उसी पेस में अगर आप देखें कि एक्सपोर्ट टू चाइना जो हमारा एक्सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स करते हैं चाइनीज़ में उसमें उतना ड्रॉप नहीं देखा गया है इन कंपैरिजन टू इम्पोर्ट लेकिन अगर आप डिफरेंस देखें तो देर इज़ अज डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू चाइना दैट इज़ वाई वी हैव अ लार्ज डेफिसिट विद चाइनीज़ ट्रेड बिजनेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी डेफिसिट को भी कम करना चाहती है और इंडिया इंडियन गवर्नमेंट की जो इंडियन मार्केट के जो रिलायंस हैं चाइना पर उसको भी कम करना चाहती है इसीलिए कई सारे ऐसे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर कंटिन्यूसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोज कर रही है चाइनीज़ इम्पोर्ट पर जिसमें कंसाइनमेंट को पोर्ट पर रोकना फॉर फिजिकल चेकिंग इज़ वन ऑफ द नॉन टैरिफ बैरियर की एक्सपोर्ट की बात करें कि व्हाट आर द की एक्सपोर्ट टू चाइना हम चाइना में मैक्सिमम हमारा किस गुड्स uh, से किस आइटम्स का एक्सपोर्ट होता है तो ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोसेस पेट्रोलियम आयरन ओर्स प्रॉन्स प्लास्टिक आर्टिकल्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स मशीनरी कॉटन आयरन स्टील एंड ग्रेनाइट ये सारे हमारे की एक्सपोर्ट्स हैं की एक्सपोर्ट्स मीन्स इंडिया टू चाइना एंड की इम्पोर्ट्स या मेजर इम्पोर्ट जो हम चाइना से करते हैं दैट इज़ मशीनरी एंड देयर पार्ट्स मोबाइल फोन्स एंड कंपोनेंट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर्स एंड पार्ट्स फर्टिलाइजर सोलर सेल सेमीकंडक्टर पार्ट्स आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील तो ये हमारे की मेजर इम्पोर्ट्स हैं जो हम चाइनीज़ मार्केट से या चाइनीज कंपनी से इंडिया में करते हैं आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री गिवन ऑन पेज नंबर वन सेबी इज प्राइजिंग रूल्स फॉर प्रेफरेंशियल इशूज इस न्यूज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जिस समय सेबी इस प्रपोजल को कंसिडर कर रहा था कल थर्सडे को सेबी ने प्राइजिंग नॉर्म्स फॉर प्रेफरेंशियल शेयर्स के लिए जो रिलैक्सेशन लाना था उस प्रपोजल को अप्रूव फाइनली कर दिया है अब इस प्रपोजल uh, के अप्रूवल से क्या होगा इस प्रपोजल के अप्रूवल से जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको अपने प्रमोटर्स से फंड रेज करने में कैपिटल रेज करने में ईजी होगा क्यों क्योंकि सेबी ने बहुत सारे प्राइजिंग नॉर्म्स रिलैक्स कर दिए हैं फॉर प्रेफ्रेंशियल ईशूज़ तो जो नया प्राइसिंग फॉर्मूला आया है उसके अकॉर्डिंग अब जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो अपने रीसेंट स्टॉक प्राइजेस को यूज़ कर सकती हैं अपने नए प्रेफरेंशियल शेयर्स को इशू करने के लिए पहले इस फार्मूले में क्या था कल मैंने डिस्कस किया था आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख बताएंगे कि जो इससे पहले जो फॉर्मूला था प्राइस को डिटरमाइन करने का स्पेशली प्रेफरेंशियल शेयर को वो क्या था और अगर हम बात करें तो जो बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने सेबी को अप्रोच किया था उनका भी यही कंसिडरेशन था उनका ये कहना था कि जो कि पहले फार्मूला था सेबी का प्रेफरेंशियल इश्यूज uh, को लेकर के उससे अगर वो अपना प्राइस डिटरमाइन करते थे अपने शेयर्स का तो दैट प्राइस यूज़ टू बी वेरी हाई एंड दैट हाई प्राइस विल डिस्करेज द प्रमोटर्स एंड अदर इन्वेस्टर्स फ्रॉम इंफ्यूजिंग मोर कैपिटल इनटू द फॉर्म बट जो अब नया फार्मूला आया उसके है उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी है स्पेशली लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो अपने रीसेंट स्टॉक प्राइसेस को यूज़ कर सकती हैं अपने प्रेफरेंसल शेयर्स को इशू करने के लिए अगर अब आप थोड़ा सा डिफरेंस समझना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि जो पहले फार्मूला था सेबी का उससे पिछले कुछ हफ्ते आप मुझे बताएंगे फॉर्मूला क्या था मैं बस यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ थोड़ा सा पिछले कुछ हफ्तों का एवरेज लेकर के कंपनीज जो होती थी वो अपने प्रेफरेंसल शेयर्स का प्राइस डिसाइड करती थी तो अगर यही फार्मूला इस कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन में भी एप्लीकेबल रहता या इस सिचुएशन में एप्लीकेबल रहता तो उससे क्या होता कंपनीज जो कि प्री कोविड सिचुएशन में अपनी वैल्यूएशन की हाईएस्ट स्टेज पर थी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही थी शेयर प्राइसेस बहुत अच्छे थे अगर वो फार्मूला लेकर के कंपनीज़ अपने प्रेफरेंशियल शेयर्स का प्राइस डिसाइड करेंगी तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगा और प्राइस हाई होगा तो जिस इन्वेस्टर्स जो प्रमोटर्स हैं वो डिसकरेज होंगे उस शेयर को खरीदने में जिससे कि कैपिटल इन्फ्यूज नहीं हो पाएगा फॉर्म में अब जो नया फार्मूला आया है दैट फार्मूला हैज़ इनेबल्ड द इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स एट अ रीसेंट स्टॉक प्राइसेस रीसेंट स्टॉक प्राइसेस मतलब जो करेंटली चल रहे हैं उससे क्या होगा कंपनीज अपने प्रेफरेंसेज शेयर्स के एक्चुअल प्राइस जो करंट प्राइस हैं उसके अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंसेज शेयर्स के प्राइजेस को सेट कर सकते हैं जो करंट स्टॉक प्राइसेज हैं उसके अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंसेस शेयर्स के प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं फॉर इशू पर्पस और जैसा कि हम सभी जानते हैं इस समय मैक्सिमम जो कंपनीज है अपनी लो वैल्यूएशन की स्टेज पर है तो स्टॉक प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तो लो प्राइस सेट होगा इस समय प्रेफरेंशियल इश्यूज का अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे लो प्राइस या कम प्राइस पे अगर शेयर इशू होंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स प्रमोटर इनकरेज होंगे उन शेयर प्राइजेस को ख़रीदने के लिए और लॉन्ग टर्म में उनको ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा जैसे वो शेयर प्राइजेज या स्टॉक प्राइजेस के रेट बढ़ेंगे विद द इकोनॉमिक ग्रोथ तो इस समय कैपिटल इन्फ्यूज़ करने में फर्म्स को इस फॉर्मूले से ज़्यादा आसानी रहेगी और ज़्यादा फर्म्स ज़्यादा कैपिटल इशू हो पाएगा ज़्यादा फंड रेज हो पाएगा फॉर लिस्टेड फर्म्स इसीलिए सेबी ने प्राइसिंग रूल को रिलैक्स कर दिया है हालांकि ये जो रिलैक्सेशन आया है ये कुछ कंडीशंस के साथ आया है एज पर द सेबी शेयर्स इशूड अंडर द न्यू प्राइसिंग नॉर्म्स विल बी लॉग्ड इन फॉर अथ थ्री पीरियड तीन साल के लिए उनको इन पीरियड में रखा जाएगा एंड द प्राइसिंग रिलैक्सेशन विल बी वैलिड फॉर इश्योस मेड अंटिल डिसम्बर 2020 तो जो ये प्राइसिंग रिलैक्सेशन है ये परमानेंट नहीं है एट इज आप दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी डिसंबर ट्वेंटी के बाद जो भी प्रेफरेंशियल इशू आएंगे उनका प्राइसिंग फॉर्मूला प्रीवियस प्राइसिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग ही होगा तो अब सेबी के इस डिसीजन से जितनी भी लिस्टेड फॉर्म्स हैं उनको फ़ंड रेज करने में स्पेशली अपने प्रमोटर्स से, से फ़ंड रेज़ करने में ईजी होगा अगर हम रिसेंट ध्यान दें अगर रिसेंट जो गव से ने जो चेंजेस किए हैं प्राइस इश्यूज़ को लेकर के शेयर इश्यूज़ को लेकर के वो सारे मेजर्स इसी लिए लिए गए हैं जिससे कि जितनी भी फॉर्म्स हैं लिस्टेड फॉर्म्स हैं उनको कैपिटल रेस करने में ईजी हो या वो ईजली कैपिटल रेज कर पाएँ अगर आपको याद हो तो प्राइसिंग अभी रिसेंटली प्राइसिंग फार्मूला से भी ने चेंज किया है जिससे कि जो स्टॉक प्राइजेस हैं वो उनका सीधा इम्पैक्ट होगा प्रेफरेंशियल इशू पर जिससे कि प्रेफरेंशियल इशूज़ के जो प्राइस होंगे शेयर्स के जो प्राइसेज होंगे वो थोड़े से लो होंगे कूलिंग ऑफ पीरियड जो बिटवीन टू क्यू था वो सीबी ने डिक्रीज कर दिया था सिक्स मंथ्स टू टू मंथ्स प्रोमोटर्स अलाउ टू बाई अप टू टेन परसेंट जो कि पहले पाँच परसेंट का कैप था प्रोमोटर्स पे अब वो कैप इंक्रीज करके टेन परसेंट कर दिया गया तो अब अगर आप ये देखें तो ये सारे जो डिसीजन सेबी ने रिसेंटली है, लिए हैं ये बेसिकली फॉर मोर कैपिटल इन्फ्यूजन बाई प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी इस वजह से लेके जो प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी हैं वो ईजिली अपनी फॉर्म्स में अपने कंपनी में कैपिटल इन्फ्यूज कर पाए पहले प्रमोटर्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते थे प्रेफरेंशियल शेयर्स को इशू करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते थे वो सारे रिस्ट्रिक्शंस को फिलहाल के लिए सेबी ने रिलैक्स कर दिया है आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फोर गिवन ऑन पेज नंबर टू कंस्ट्रक्शन फ्रॉम्स टर्न टू एप्स इन सर्च ऑफ लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और जो इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी जो कि पहले कॉन्ट्रैक्टर को यूज किया करती थी लेबरर्स को हायर करने के लिए अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है क्यों चेंज हो रहा है कोविड नाइन्टीन की वजह से बहुत सारे लेबर्स माइग्रेंट लेबर्स जो कि पहले मुंबई दिल्ली और इन सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काम करते थे वो कोविड नाइन्टीन की वजह से रिवर्स माइग्रेशन करके अपने नेटिव प्लेस में अपने होम स्टेट में पहुंच गए हैं चले गए हैं जिसकी वजह से जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो चुकी हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स को इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म्स को लेबर की शॉर्टेज हो रही है तो अब इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स के पास तो लेबर्स है ही नहीं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स या कंस्ट्रक्शन फर्म्स को सप्लाई कर सकें तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड कंपनीज हैं दे आर नाउ यूजिंग वॉक कॉल सेंटर्स प्रिंट एड्स मोबाइल एप्लीकेशंस एंड अदर मीडियम्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर हायरिंग द और फॉर गेटिंग द लेबरर्स तो अब इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनीज कॉन्ट्रैक्टर मोड जो था उससे मूव करके ऐप मोड पर या मीडिया मोड पर चली गई हैं लेबर्स को हायर करने के लिए और जैसा कि हम सभी डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि इस समय जो कंपनीज बेसिकली प्रॉब्लम फेस कर रही है उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ लेबर नाउ द कंपनीज़ आर फोकसिंग टू हायर लोकली अवेलेबल लेबर इंस्टेंट ऑफ गोइंग फॉर माइग्रेंट्स लेबर जैसा कि जून पंद्रह में रिसेंटली मुंबई मेट्रोपॉलिटन तो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट इशू किया था फॉर मैंस कारपेंटर्स फिटर्स वेल्डर्स इलेक्ट्रीशियंस इन हंड्रेड एंड थाउजेंड्स नंबर और यही एम एम पहले कॉन्ट्रैक्टर्स को यूज़ करते थे इन ऑर्डर टू हायर द लेबरर्स और इस रिवर्स इनका इन एज पर द एम एम आर डी बिफोर द रिवर्स माइग्रेशन एम एम आर डी यूज टू हैव द टेन थाउजेंड लेबर एट सेवरल मुंबई मेट्रो साइट्स दैट इज़ वाई नाव एम एम आर डी हैज़ एडवरटाइज ऑन लोकली अवेलेबल न्यूज पेपर्स सो दैट लोकली अवेलेबल लेबर कैन ऑल्सो हायर फॉर डिफरेंट जॉब्स एट लोअर लेवल पोजिशन हालाँकि कंपनी का ये कहना है कि इस एडवर्टीजमेंट से बहुत सारे ओवर क्वालिफाइड एप्लीकेशन भी आए हैं एम एम आर डी ने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन रिसीव किए हैं जो कि जो इंडिविजुअल्स क्लैरिकल जॉब्स के लिए एप्प्लीकेबल थे एलिजिबल थे बट उन्होंने इस तरह की जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया है तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि कंपनीज को लेबर शॉर्टेज फे फेस करनी पड़ रही है दूसरे साइड एक हाई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अनएम्प्लॉयड है जिससे कि जो ओवर क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं जो मच क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी कैपेसिटी अपने कैपेबल से नीचे की जॉब्स को करने के लिए प्रेशराइज हैं अनएम्प्लॉयमेंट इज़ और अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ सो हाई बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक सिचुएशन ऐसा नहीं है कि लेबर मार्केट में लेबर नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कंपनीज के पास जॉब नहीं है बट देर इज़ अ क्लियर कट मिसमैच बिकॉज ऑफ द सर्टन इकोनॉमिक सिटुएशंस कि जहाँ पर जॉब्स है वहाँ पर लेबर नहीं है जहाँ पर लेबर है वहां पर जॉब्स नहीं है दैट इज़ वाई कंपनीज आर नाउ एक्सपेरिमेंटिंग विद द न्यू मैथड्स फॉर हायरिंग द लेबरर्स इवन कंपनीज आर ऑल्सो चेंजिंग देयर एच आर पॉलिसीज and now providing more fringe benefits perks and perquisites to the laborers in order to retain them ab dekh lete hain article number 5 given on page number 4 ubi obc slipped into red before merger recently state owned lenders united bank of india और or oriental bank of commerce का मर्जर हो गया with PNB और इस मर्जर के बाद इमर्जर कब एक्चुअली इनिशिएट हो गया अप्रैल वन को इमर्जर इनिशिएट हुआ था इस मर्जर के बाद जब UBI और OBC ने अपना क्वार्टर फोर का रिज़ल्ट डिक्लेअर किया या रिज़ल्ट रिलीज़ किया तो उसमें देखा गया कि UBI ने अप्रॉक्सीमेटली सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड करोड़ का नेट लॉस पोस्ट किया है वहीं ओ ने भी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड करोड़ का नेट लॉस पोस्ट किया है इन क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी और अगर हम इसी यू uh, और ओ के पिछले साल फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन के प्रोफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो पिछले ईयर में फाइनेंशियल ईयर 19 में यूबीआई ने रिपोर्ट किया था 95 करोड़ का प्रॉफिट ओबीसी ने रिपोर्ट किया था 201 करोड़ का प्रॉफिट और अगर हम ये भी देखें कि इस फाइनेंशियल ईयर 20 के क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री क्वार्टर थ्री तक दोनों ही बैंक्स ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है बट क्वार्टर फोर जबकि ये डिसाइड हो गया था कि बोथ बैंक्स आर नाउ गोइंग टू तो मर्ज विथ पी They have reported the huge loss into their profit and loss account. तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा गर, अगर अगर क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है अभी तक ये प्रॉफिट में थे बट इससे क्या फर्क पड़ेगा इससे ये फर्क पड़ेगा स्टूडेंट पी एन बी का जो कैपिटल बेस है पी एन बी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है पी एन बी की जो फाइनेंशियल बुक है नाउ दैट इज गोइंग टू ई रोड बिकॉज ऑफ़ द लॉस रिपोर्टेड बाई यू बी आई एंड ओ बी सी क्यों क्योंकि अब यू बी आई ओ बी सी दोनों ही पी एन बी के पार्ट हैं दोनों ही पी एन बी में मर्ज हो चुके हैं इतना ज़्यादा अगर लॉस ये दोनों बैंक्स शो कर रहे हैं रिलीज कर, कर रहे हैं पोस्ट कर रहे हैं दैट इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पी एन बी इन अपकमिंग पीरियड या अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में पीएनबी को अब क्योंकि पीएनबी को बेयर करना पड़ेगा ये लॉस हो कि अब ये दोनों ही बैंक पीएनबी का पार्ट है तो जो भी लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो पीएनबी के बुक में जाएगा तो अब इससे पीएनबी बैंक या पंजाब नेशनल बैंक है उसका कैपिटल बेस इरोज होगा एक्सपोर्ट का ये कहना है कि सडनली जो ये लॉस रिपोर्ट uh, किया है यू और ओ ने ये बिकॉज ऑफ टैक्स रिलेटेड और प्रोविजनिंग रिलेटेड इशूज़ हैं इस मर्जर में बहुत सारे जो टैक्स ऑलरेडी ड्यू थे उसको पे किया गया है जो प्रोविजनिंग प्रोविजनिंग करी गई थी लोन्स को लेकर के उन सारी प्रोविजनिंग की वजह से इस बार यू ने और ओ ने लॉस रिपोर्ट किया है अगर ये मर्जर ना होता तो ये दोनों ही बैंक अपने टैक्स ड्यूज से कंटिन्यू करते या प्रोविजनिंग इशूज़ से कंटिन्यू करते बट चूंकि इनका मर्जर होना था इसलिए ये सारे टैक्स रिलेटेड और प्रोविजनिंग इश्यूज़ को रिमूव करना था या इनके एडजस्टमेंट की वजह से इस क्वार्टर फोर में लॉस रिपोर्ट किया है इन दोनों ही बैंक्स ने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रपोजल था कि मर्जर से जो मेगा बैंक्स हम बनाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रपोजल है कि बहुत सारे जो स्टेट ओन बैंक्स हैं जो कि इन एफिशियंट हैं इनकी इफिशियंसी इतनी नहीं है उससे उनको मर्ज करके कुछ नंबर या बहुत ही कम नंबर्स में मेगा बैंक्स रखे जाएंगे जिससे कि एक मेगा बैंक के पास बड़ा कैपिटल बेस होगा बड़ा कैपिटल बेस होगा तो एन का जो इशू है वो बहुत लिमिट तक रिजॉल्व हो जाएगा मगर अगर इस तरह के अकाउंट्स या इस तरह की फाइनेंशियल कंडीशंस प्रिवेल करती हैं देन मेगा बैंक्स बनाने के बाद भी देयर इज रेयर चांस दैट एन पी एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ द बैंक इज गोइंग टू इंक्रीज अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर सिक्स गिवन ऑन पेज नंबर फोर आई बी सी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स लुक एट हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर ईयर के लिए दिसंबर 2020 तक आईबीसी कोर्ट को सस्पेंड कर दिया है एंड बिकॉज ऑफ दिस सस्पेंशन ऑल द स्ट्रेस कंपनी हैज रिस्पाइट और गेट अ रिलैक्सेशन स्ट्रेस कंपनीज को तो रिलैक्सेशन मिल गया इस आईबीसी प्रोसीडिंग से क्योंकि अगर आई कोर्ट गवर्नमेंट में सस्पेंड कर दिया तो अगर ये कंपनीज अपने क्रेडिटर्स को लोन वापस नहीं भी कर पा रही हैं तो कोई भी क्रेडिटर्स कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी इनिशिएट नहीं कर सकता है अंडर आईबीसी क्यों क्योंकि आईबीसी को इस साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है क्यों गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया है हम सबको पता है कोविड नाइन्टीन की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है इसलिए बहुत सारी कंपनीज अभी इस समय प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही अपना बिजनेस प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही हैं हालाँकि इससे पहले वो प्रॉफिटेबल वेंचर्स थे वो हाई परफॉर्मेंस कंपनीज थी बट एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन की वजह से उनका बिजनेस लो वैल्यूएशन की स्टेज पर है लो परफॉर्मेंस की स्टेज पर है तो इट विल बी अनफेयर कि अगर इस सिचुएशन में हम उनको आईबीसी कोर्ट तक या इनके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी जो क्रेडिटर हैं क्रेडिटर्स हैं वो इन्वोव करें तो ये ये एक इनजस्टिस हो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईबीसी को इस साल के लिए सस्पेंड कर दिया है अब इससे एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एंड दैट प्रॉब्लम वॉज हाईली अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस कंपनी को तो रिलैक्सेशन मिल गया आईबीसी के तहत बट जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स थे ऐसे कंपनीज जो कि रिजोल्यूशन के बिजनेस में थी ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल रिजोल्यूशन को एज अ प्रोफेशन ट्रीट किया था प्रोफेशन अडॉप्ट किया था नाउ ऑल दोज बिजनेसिस ऑल दोज प्रोफेशनल्स आर इन लॉस क्यों क्योंकि अब उनके पास बिजनेस ही नहीं है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड एक साल के लिए सस्पेंड है तो देयर इज नो Proceedings going on, there is no notice issuance and all other legal work that actually resolution professionals or resolution companies used to have. बिफोर कोविड नाइन्टीन सिटुएशन और इवन कुछ कंपनीज कुछ फॉर्म्स ने तो इंसॉल्वेंसी के अपने डिवीजन को पिछले ईयर ही एक्सटेंड किया था एक्सपेंड किया था अपना बिजनेस विद द राइजिंग नंबर ऑफ कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस क्योंकि पिछले कुछ सालों में कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस या केसेस एप्लीकेशन बढ़ रहे थे कंपनीज आर द क्रेडिटर्स जो हैं वो जल्दी जल्दी अपनी कंपनीज को इंसॉल्वेंसी के लिए ले जा रहे थे जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसी फर्म्स जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के या प्रोफेशन के बिज़नेस में थे उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया था इन ऑर्डर टू कैटर द नीड ऑफ देयर क्लाइंट्स अब उन सारी स्मॉल फॉर्म्स को बिज़नेस मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही बिज़नेस नहीं आ रहा उनके पास क्यों बिज़नेस नहीं आ रहा क्योंकि आईबीसी सस्पेंड है इसलिए कोई नोटिस इशू करने वाला या कोई प्रोफेशनल्स को हायर कर जो कंपनीज uh, करती थी प्रोफेशनल्स को हायर uh, वो सब सब बिज़नेस बिल्कुल ठप पड़ गया है एक्सपर्ट का ये कहना है कि हालांकि इस सस्पेंशन uh, से आई के सस्पेंशन से जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में या जो ब, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल कंपनीज़ उन पर इंपैक्ट कम पड़ा है जो स्मॉल फॉर्म्स हैं जो स्मॉल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं उन पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है जैसे कि बिफोर दिस सस्पेंशन ऑफ आईबीसी नोटिस इशुएंस ऑफ द नोटिस फॉर डेट वर यूज टू बी द वन ऑफ द प्राइम सोर्स फॉर प्रोफेशनल अंडर दिस रेजोल्यूशन प्रोसेस अब चूंकि आई सस्पेंड हो गया तो कोई भी नोटिस इशू नहीं करती कंपनीज अब ना ही अपने वेंडर्स को ना ही अपने बैंक्स को ना ही बैंक अपने कंपनीज को अपने लेंडर्स को कोई नोटिस इशू कर रहे हैं तो जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स हैं उनका भी बिजनेस अफेक्ट हो रहा है एंड नाउ ऑल दोज आर पी आर पी स्टैंड फॉर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स आर नाउ एक्सप्लोरिंग द न्यू एवेन्यूज फॉर देयर सर्वाइवल

बिजनेस था वो भी कम हो गया क्यों क्योंकि अब लॉयर्स वेंडर्स बैंक्स ये सब नोटिस कम इशू कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में जिसकी वजह से जो आर हैं जो फर्म्स हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल फर्म्स हैं दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ बिजनेस और लॉस ऑफ बिजनेस वाइल मेनी बैंक्स आर ट्राइंग टू पुश फॉर इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन इंस्टेड ऑफ गोइंग आई बी सी वे सो दे आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर कॉजिंग द लॉस ऑफ बिजनेस फॉर आर पीज एंड सो सस्पेंशन ऑफ आई बी सी Increase in the threshold limit up to one crores, banks preferences for go, for going for internal restructuring rather than going for IBC way. All these are creating a short of shortage of business for RPS. That is why all those firms who has previously expand their business in financial year nineteen are now struggling to. द गोइंग कंसन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप देख लेते हैं समर न्यूज क्लिप्स एच यूल टू ड्रॉप फेयर फ्रॉम फेयर एंड लवली जैसा कि हम सभी जानते हैं फेयर एंड लवली कंट्री का सबसे बेस्ट नोन ब्रांड था इज नाउ गोइंग टू हैव अ चेंज नेम एच यूएल इज गोइंग टू रिमूव द फेयर वर्ल्ड फ्रॉम दिस ब्रांड क्यों एच यूएल ने डिसीजन लिया जैसा कि हम सभी जानते हैं रिसेंटली रिसेंटली कलर स्किन कलर को लेकर के रेसिज्म uh, को लेकर के बहुत सारे कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है जैसा कि फेयर एंड लवली इज़ बेसिकली यूज टू हैव स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ तो ऐसा बोलते थे बहुत सारे इंडिविजुअल्स या जो एक्सपर्ट्स थे जो प्रोटेस्टर थे कि uh, वर्ल्ड जो है वो फेयर लोगों को ज़्यादा अच्छा मानते हैं वाई फेयर एंड लवली क्रीम वाई फेयर एंड हैंड्सअप क्रीम वाई बिकॉज ब्लैक इज नॉट एंड लवली और ब्लैक इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड स्किन कलर तो उन सारे क्रिटिसिज्म को देखने के बाद में और कंज्यूमर्स के सेंटिमेंट्स को वर्ल्ड के सेंटीमेंट्स को एनालाइज करने के बाद में एच ने डिसाइड किया दैट एच इज गोइंग टू ड्रॉप द वर्ल्ड फेयर फ्रॉम हिज टू करोर ब्रांड दैट इज फेयर एंड लवली द मूव कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द ब्लैक लाइफ मैटरग्लोबल मूवमेंट रेंजिंग अक्रॉस द वर्ल्ड तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटिव जेस्टर बाई द कंपनी दैट वी आर अगेंस्ट दिस रेसिज्म एंड ब्लैक एंड व्हाइट डिस्क्रिमिनेशन आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज एक्सिम बैंक्स टू रेस डॉलर टू बिलियन दिस इयर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया दिस इज आल्सो कॉल्ड एस एक्सिम बैंक तो आप याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया सो एक्सिम बैंक इज गोइंग टू रेस डॉलर टू मिलियन बाइ द एंड ऑफ करंट ईयर ट्वेंटी फॉर लैंडिंग एंड मैनेजिंग इट्स रीपेमेंट और बैंक का यह कहना है कि बैंक इज ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लोर द इंटरनेशनल मार्केट फॉर रेजिंग द एडिशनल फंड टू फैसिलिटेट द लॉन्ग टर्म लैंडिंग और अगर एक्सिम बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग दिस बैंक इज कंप्लीटली साउंड एंड हैज रिपोर्टेड डॉलर रुपीज वन 124 करोड़ इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2051 परसेंट का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है एगजिम बैंक ने तो एग्जिम बैंक का कहना है कि एग्जिम बैंक के पास सफिशेंट रिसोर्स हैं टू रीपे द बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन अगस्त एज वेल एज इन फ्यूचर दैट इज़ वाई नाउ एक्जिम बैंक इज गोइंग टू रेज द फंडस ऑफ डॉलर टू बिलियन एंड इट मे एक्सप्लोर द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एग्जिम बैंक इज़ फुली ओन्ड बाई यूनियन गवर्नमेंट याद रखेंगे स्टूडेंट दिस बैंक इज़ फुली ओन्ड बाई यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज डीलिस्टिंग स्ट्रीक्स इन्वेस्टर्स इन इंडिया बेटिंग ऑन हु विल बी नेक्स्ट करंटली इंडियन स्टॉक मार्केट इज सींग देव ऑफ वॉलेंट्री डी लिस्टिंग वॉलेंट्री डी लिस्टिंग मीन्स कंपनी अपने मर्जी से अपने खुद की कन्वेक्शन से डीलिस्ट कर रही है अपने आप को स्टॉक मार्केट से तो so, करंटली जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें डी लिस्टिंग की वॉलेंट्री डी लिस्टिंग की वेब चल रही है वॉलेंट्री डी लिस्टिंग के अलावा कोई और भी डी लिस्टिंग होती है येस yes, जब इनको पेनल्टी पेनेटिव डी लिस्टिंग जो कि कैपिटल रेगुलेटम या मार्केट रेगुलेटर कर देता है जैसे कि से भी जब किसी कंपनी को इंटेंशनली डेलिस्ट कर देती तो दैट इज पुनेटिव डेलिस्टिंग तो रिसेंटली इंडियन मार्केट में इंडियन स्टॉक मार्केट में वॉलेंटरी डेलिस्टिंग की वेव स्टार्ट हो गई है जिससे कि जो एंटिटीज एंड इन्वेस्टर्स हैं दे आर नॉट बेटिंग ऑन हु इज हु इज नेक्स्ट टू गोइंग फॉर डेलिस्टिंग प्रोसेस नाउ कंपनीज आर बिकमिंग मोर प्राइवेट इन द लास्ट टू मंथ्स द मेजोरिटी ओनर्स ऑफ वेदांता अदानी पावर हेग्जावे टेक्नोलॉजीज है प्रपोज्ड बाइंग आउट ऑल पब्लिकली ट्रेडेड शेयर्स एमिट द कोरोना वायरस इंड्यूस सेल ऑफ इन द स्टॉक तो जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ना अब ये अपने पब्लिक में जो ओन शेयर्स हैं उनको वापस खरीद रहे हैं और गोइंग प्राइवेट और प्राइवेट हो रहे हैं अपने आप को डिलिस्ट कर रहे हैं वन पॉइंट एट ट्रिलियन इंडन स्टॉक मार्केट से और अगर हम ध्यान दें तो ये डी लिस्टिंग की जो प्रोसेस है इंडिया में ये फाइनेंशियल ईयर 2009 में भी देखी गई थी जब इंडिया में 2008 की लेमन ब्रदर क्राइसिस के बाद में रिसेशनरी कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी और वही कंडीशंस अभी भी हैं इसीलिए बहुत सारी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं दे आर नाउ गोइंग प्राइवेट इंथूजियाजम टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज दैट कैन गो प्राइवेट मैच द ट्रेंड सीन इन सिंगापुर इन रीसेंट ईयर्स सो so, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी और रिसेंटली अब वेदांता इज ऑल्सो गोइंग टू गेट डी लिस्टेड फ्रॉम बॉशेस एज पर द न्यूज़ आज का न्यूज़ ऑफ द डे आर बी आई में टेक अ वन टाइम लोन स्ट्रक्चरिंग टूडे तो इसमें आप आर बी आई की लोन स्ट्रक्चरिंग uh, प्रोसेस के बारे में पढ़ लीजिएगा लोन रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है कई तरह की लोन री स्ट्रक्चरिंग होती है आर बी आई ने जब दो हज़ार आठ में लोन रिस्ट्रक्चरिंग करी थी तो उसमें क्या किया था इससे री स्ट्रक्चरिंग से क्या फ़ायदा आर बी आई को होता है कॉमर्शियल बैंक को क्या फ़ायदा होता है किसको क्या नुकसान होता है ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं ऑल दीज आर द रिफरेंस दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू